वेलकम बैक टू लर्न विद परी। तो दोस्तों, आपको पता है कि मेरे सामने क्या है? हाँ, मेरे सामने ये मिट्टी का बर्तन है। और आपको पता है कि ये बर्तन किसने मुझे दिया है? हाँ, ये बर्तन मेरे मामा ने मुझे दिए थे। वो जो उड़ीसा है ना, उससे उधर से मामा ने मुझे खरीद कर ये दिए हैं मिट्टी का बर्तन। हाँ फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये जो मिट्टी का बर्तन है ना, ये अमेज़ॉन पे भी मिलता है। लेकिन बात है ये है कि लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरे जैसे ऐसे ये जो मिट्टी का बर्तन है ऐसे चाहिए, तो फिर कोई बात नहीं, वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उस पर आप क्लिक करके ये परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, लेकिन सच बताऊँ तो ये अमेज़ॉन में कॉस्टली है थोड़ा। तो फिर मैंने देखी वो थोड़ा कॉस्टली है, तो फिर मैंने अपनी मामा को बोली कि मामा, आप उड़ीसा से जब आप आओगे इधर, तब आप मेरे लिए ये मिट्टी का बर्तन ला लेना। एक्चुअली जो उड़ीसा है उस पे ये जो सारे बर्तन आप देख पा रहे हो ना, ये सब 100 रुपीज़ का होता है, 100। बट अमेज़ॉन में बहुत कॉस्टली होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एक एक करके दिखाकर कि इस पे क्या क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो परी है, परी के पास तो ऑलरेडी मिट्टी का बर्तन है। उसकी मेरी जो मम्मी है ना, उन्होंने तो वो अमेज़ॉन से वो क्ले ऑर्डर किए और उससे मिट्टी का बर्तन बनाए। और फिर परी और एक ऐसे मिट्टी का बर्तन क्यों लाई? एक्चुअली वो जो मिट्टी का बर्तन है ना, वो जो मम्मी ने बनाए उस पे ना अपा वो तो मम्मी ने आग से जलाए नहीं, इसलिए उस पे पानी डालने से, एक भी बूंद पानी डालने से ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये जो बर्तन है ना मिट्टी का, ये आग से पूरा अच्छे से जलाया गया है, इसलिए इस पे पानी डालने से कुछ नहीं होगा। अभी समझ में आया ना फ्रेंड कि क्यों मैंने ये मिट्टी का बर्तन ऑर्डर, मतलब मामा को बोली इसको लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करेंगे इससे। ये एक डॉल, तो दोस्तों ये एक डॉल है, एक डॉल है, ये मैंने एक मूर्ति बना ली इसको डॉल की जगह। तो ये है इधर ऐसे खड़े, वहाँ खड़ा भी होता है ये, इसको मैं इधर खड़ा। ये है एक बास्केट जिस पे मैं सब्जी, लीव्स या फिर जो भी फ्रूट्स और फ्लावर, ये मूर्ति को चढ़ाने के लिए पूजा भी तो करना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो फिर उस पर ये डाल कर आऊँगी और पूजा करूँगी। देख लीजिए, और इसके पीछे ऐसे भी दिखता है, स्टैंड है उसका पैर, लेकिन 3 ऐसे है ट्रायंगल शेप का। लेकिन मुझे इसका ऊपर का डिज़ाइन ये बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट ये क्या, वाओ, देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एक कप के अंदर स्पून्स है ये वो। और नेक्स्ट ये क्या है, और हाँ फ्रेंड्स, आप ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इसको अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हो। और ये जो आप मैं दिखाई थी, ये ना सिलसिलपा, उड़िया में ना इसको सिलसिलपा बुलाते हैं। पहले के ज़माने में ना वो ग्राइंडर था नहीं, तो फिर सब लोग ऐसे ऐसे करके वो जो चावल डोसा बनाने के लिए उसका चावल रखते थे और ऐसे करके वो करते थे। एक्चुअल में ये मिट्टी का है, लेकिन एक्चुअल में ये पत्थर का होता है। इस पर हम लोग मसाला से भी ग्राइंडिंग करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और ये सर, वाह कितने सारे बाउल्स, देखिए तो देख लीजिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एक बाउल है। वैसे खाना बनाने के लिए बाउल की तो ज़रूरत होगी ना।
और ये है सारे बाउल्स। इसके लिए मैं कुकिंग करूंगी। विंग विंग। तो ये कुकिंग है, ये कुछ कुछ बाउल्स खाने, वो चावल दाल वो सब डालने के लिए और कुछ कुछ कुकिंग करने के लिए। तो ये है सारे बाउल्स, लेकिन मैं ऐसा करके रख लेती हूँ। वाओ फ्रेंड्स, देख लीजिए कैसे मटकी है ये। इससे ना मैं पानी लेकर जाऊंगी ऐसे। चलो पानी लेकर आ गई। तो इस ये मटकी है, इस पर मैं पानी डाल लूंगी। और हाँ, वैसे भी खाना बनाने के लिए पानी तो चाहिए होता है ना, तो फिर इस पर मैं पानी भर कर लाऊंगी। और हाँ, और प्लांट्स को भी तो पानी चाहिए होता है, प्लांट्स को भी तो पानी चाहिए होता है, तो फिर से मैं प्लांट्स को भी पानी दूंगी। तो इसको हम इधर रख लेते। ये दो बर्तन आया है। ओ वाओ, एक ग्लास, इस पर मैं पानी पीऊंगी। वैसे इस पर हम चाय भी पी सकते हैं। ये एक दिया है पूजा करने के लिए, और बहुत ओ कितना क्यूट सा बाउल है। ये बड़ा बड़ा है ना, इसलिए इस पे हम राइस बनाएंगे। और ये क्या, ओ कढ़ाई, ये कढ़ाई है, इस पे हम लोग कुकिंग करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा बाउल, मतलब बाउल है। इस पे देखो मैं ये डालूंगी। और लास्ट दो बर्तन बचा है, ये है वो तावा, इस पे मैं डोसा रोटी वो बनाऊंगी। और ये है वो, एक्चुअली इसको हम लोग उड़िया में हम लोग इसको बेलना पिड़ा बुलाते हैं। और इसको जो हम यूज़ करते हैं, जो हम लोग वो बनाते हैं ना रोटी बेलने के लिए। और ये है उसका वो रोल रोल वाला वो चीज़, जो ऐसे ट्विंग 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 ऐसे करूँगी मैं। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बार एक एक करके दिखा लेती हूँ कि ये क्या है। ग्लास, दिया, बेलना पेड़ा, सिलसिलपा, और एक कप और एक ग्लास जिसपे सारा स्पून्स है, बास्केट, मूर्ति, बाउल एंड कढ़ाई, बाउल्स, दो मटकी, और ये है तावा। फ्रेंड्स, अब देखे ना कि कितने सारे मिट्टी के बर्तन मेरे मामा लाए हैं। एक्चुअली मेरे दादा भी उनका हेल्प किए हैं, तो अगर मेरे दादा ये देख रहे होंगे तो थैंक यू दादा मेरे लिए इतना ब्यूटीफुल मिट्टी का बर्तन लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब मैं चंपा को बुलाऊंगी ना, आज वो थोड़ा सा फ्री नहीं है, उसका बहुत काम भी होता है। हाँ, जब मैं नेक्स्ट टाइम जब चंपा को बुलाऊंगी ना, तब बोलूंगी कि ये सारे जो मिट्टी का बर्तन है ना, इससे वो कुकिंग करे। ठीक है, आप भी देखना वो वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, आपको ये मिट्टी का बर्तन कैसा लगा? फ्रेंड्स अगर आपको भी मेरे जैसा ऐसा मिट्टी का बर्तन चाहिए, तो फिर कोई बात नहीं, वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उस पर ये इसका लिंक है, तो फिर आप उसमें क्लिक करके ये परचेज कर सकते हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तो कॉस्टली है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप विलेज में हो गए तो फिर आपको तो ये इजीली मिल जाएगा, और बस 100 रुपीज़ में ये मिलता है उड़ीसा में। हाँ, अब देखना कि क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपके मिट्टी का बर्तन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक कर लेना। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद तो है ना कि कैसे कमेंट करना है। एक्चुअली वो जो मेरा
वीडियो होता है सारे वीडियो में वो कमेंट ऑफ करता है, हाँ मैंने करती, वो जो यूट्यूब है ना वो कर लेते हैं यूट्यूब जी, इसलिए तो कोई बात नहीं। अगर आपको मुझे कमेंट करना है तो फिर कोई बात नहीं, मुझे कम्युनिटी टैब होता है ना, आप उसमें क्लिक करके मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक बुक पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय, लेट्स एंड द वीडियो, शुई।